हेलो बेटा, कैसे हो आप सब? तो बेटा, हम अपना जो नेक्स्ट चैप्टर है फोर्थ चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स, वो आज स्टार्ट कर रहे हैं और उम्मीद करता हूँ आप सब इसको ध्यान से सुनेंगे और इसमें जो भी चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट बताई जाती है उसको ढंग से समझें। तो हम अपना बेटा स्टार्ट करते हैं फोर्थ चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स सबसे पहली बात तो है क्या? केमिकल काइनेटिक्स वो पार्ट है केमिस्ट्री का जो डील करता है स्टडी ऑफ रेट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन और किसी भी केमिकल रिएक्शन को अफेक्ट कौन कौन से फैक्टर्स करते हैं उनके बारे में। तो केमिकल काइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद स्टडी ऑफ रेट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड द फैक्टर्स विच अफेक्ट द रिएक्शन रेट। नाउ सबसे पहले जो टर्म आती है रिएक्शन रेट। रिएक्शन रेट क्या है? तो जो भी कंसंट्रेशन चेंज हो रही है रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की पर यूनिट टाइम या विद रेस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम कहते हैं रिएक्शन रेट। जैसे मान लो कोई रिएक्शन है, उसकी पहले कंसंट्रेशन जो थी ए थी, बाद में कंसंट्रेशन जो है टी टू के ऊपर ए नॉट हो गई, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया, कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी टू, जो मतलब बाद में थी, और जो पहले थी, उन दोनों का डिफरेंस, उसी से हमारा आएगा चेंज इन कंसंट्रेशन, और डिवाइडेड बाय पहले कितना टाइम था और अब कितना टाइम है, यानी जो भी हमारा 10 सेकंड लगे या 20 सेकंड लगे उसको हम नीचे लिखते हैं। तो ऊपर हमने क्या लिखा है, चेंज इन कंसंट्रेशन, उसकी कंसंट्रेशन कितनी चेंज हुई। मान लो पहले 100 थी और अब जो है 50 हो गई, तो चेंज जो है वो कितना हो गया आपका, 50 हो गया। मान लो पहले 100 थी और अब जो है उसके अंदर सिर्फ 25 बचा है, तो वो 100 माइनस 25 डिवाइडेड बाय जितना उसको टाइम लगा। तो ए मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ ए, और इसको कंसंट्रेशन को हम किस में लेते हैं, मोल्स पर लीटर, और टाइम जो है उसको हम लेते हैं सेकंड्स में, मिनट्स में या आवर्स में। तो हमारी जो इसकी रेट की जो यूनिट है वो हो जाएगी मोल पर लीटर पर सेकंड। नाउ जो रिएक्शन रेट्स हैं, जैसे मैंने आपको पिछले उसमें भी बताया है कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड रिएक्शन रेट। नाउ जब हम कोई भी रिएक्शन देखते हैं, मान लो पहले ए था और वो बी में कन्वर्ट हुआ, तो जो हमारा रिएक्टेंट है वो ए है और जो हमारा प्रोडक्ट है वो आपका बी है। अब जो प्रोडक्ट है उसकी कंसंट्रेशन टाइम के अनुसार बढ़ेगी, क्योंकि शुरू में आपका सारा ही जो है रिएक्टेंट होगा, मान लो 100 मोल पर लीटर है, धीरे धीरे आपका बी बनने लगेगा, यानी स्टार्टिंग में आपकी बी की जो कंसंट्रेशन है वो जीरो होगी और उसके बाद ए की कंसंट्रेशन धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगी। तो अगर हमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के हिसाब से लिखना है तो माइनस का साइन लगाना पड़ेगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। यहां पे माइनस जो है वो शो कर रहा है डिक्रीज इन कंसंट्रेशन विद टाइम। जब हम बी की लिखेंगे तो उसकी कंसंट्रेशन क्योंकि विद टाइम इंक्रीज हो रही है, तो हम उसके लिए लिखेंगे डेल्टा टी बी विद रेस्पेक्ट टू डेल्टा टी, यहां पे हमने प्लस का साइन लगाया है। नाउ ये ग्राफ है जो शो कर रहा है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी कंसंट्रेशन कैसे इंक्रीज डिक्रीज हो रही है। आप देखोगे टाइम के अनुसार जो हमारा रिएक्टेंट है ए, उसकी कंसंट्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम डिक्रीज होती जा रही है, और जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी कंसंट्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम इंक्रीज होती जा रही है। तो जब भी कोई रिएक्शन होता है तो उसमें जो रिएक्टेंट होता है उसकी कंसंट्रेशन धीरे धीरे कम होने लगती है, और जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है तो वो जीरो पॉइंट को भी एक्वायर कर सकता है, और जो हमारा बी है उसकी कंसंट्रेशन जीरो से स्टार्ट होके और फिर इंक्रीज होती है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। नाउ हमें ये तो पता लग गया कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, बट क्या वो हमें ये बताता है कि उसके अंदर किस रिएक्टेंट का कितना कंट्रीब्यूशन है ओवरऑल रिएक्शन के लिए, क्योंकि हमारे हो सकता है दो रिएक्टेंट हो सकता है हमारे तीन रिएक्टेंट हो, तो एक रिएक्टेंट तो बहुत ज्यादा पेस से रिएक्ट कर रहा हो, दूसरा जो है रेट ऑफ रिएक्शन पे बहुत कम असर डाल रहा हो। तो हमें ये चीजें जो है, जैसे ये एक्स है, एक्स हो सकता है ज्यादा कंट्रीब्यूशन कर रहा हो वाई कम कर रहा हो, या ऐसा भी हो सकता है एक्स का कंट्रीब्यूशन बहुत ही स्लो हो और वाई का बहुत ज्यादा हो। तो जब तक हमें ये नहीं पता लगेगा कौन कितना कंट्रीब्यूशन कर रहा है तब तक हम उसको रेट को नहीं पता कर सकते, तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी रेट एक्सप्रेशन की, जिससे हमें ये पता लग जाए किस मॉलिक्यूल का या किस रिएक्टेंट का ज्यादा कंट्रीब्यूशन है।
अब देखो जैसे हम जो भी चीजें लिखते हैं यहाँ पे हमने एक रेड साइन किया हुआ है और HCl लिखा हुआ है, तो जो स्क्वायर ब्रैकेट है इट मीन्स द कंसंट्रेशन ऑफ HCl। हम कंसंट्रेशन को हमेशा स्क्वायर के अंदर शो करते हैं। अब इससे हम बेसिकली ये बता सकते हैं कि किसकी कंसंट्रेशन का रेट पे कितना इफेक्ट हो रहा है। जैसे यहाँ पे x और y लिखा हुआ है और इनकी पावर कुछ नहीं है यानी 1 है एक तरह से, तो इसका मतलब x और y दोनों इक्वल कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं रेट के लिए। तो रेट एक्सप्रेशन बेसिकली है क्या, रेट एक्सप्रेशन ये शो करता है कि रिएक्टेंट जो है वो किस उससे अपना इफेक्ट जो है वो रेट के ऊपर डाल रहे हैं, यानी कौन सा कितना कंट्रीब्यूशन कर रहा है रेट ऑफ रिएक्शन के लिए। जैसे यहाँ पे एक्स और वाई जो है वो दोनों बराबर लिखे हुए हैं, दोनों की पावर 1 है, तो दैट मीन्स कि दोनों इक्वल कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। लेकिन अगर मान लो हम कंसंट्रेशन जो है वो एक्स की डबल कर दें या वाई की डबल कर दें तो क्या होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जाएगा क्योंकि दोनों का इक्वल कंट्रीब्यूशन है। लेकिन अगर हम जो हमारा वाई है उसकी कंसंट्रेशन का स्क्वायर कर दें, ठीक है, डबल भी कर दिया और स्क्वायर भी कर दिया, तो वो हमारा क्या हो जाएगा कि जब हम डबल करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ वाई वो क्वाड्रपल हो जाएगा यानी 4 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि यहां पे 2x हो गया तो 2 का अगर आप स्क्वायर करोगे इट विल बी 4। अगर मान लो इसमें यहां पावर 3 होती और उसका हम डबल कंसंट्रेशन करते देन इट विल बी 8 टाइम्स, वो 8 टाइम्स हो जाता, ठीक है। तो रेट कौन, हमें जो हम रेट लिख रहे हैं हम ये दिखा रहे हैं कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। लेकिन प्रोपोर्शनलिटी जो है वो हमारे लिए कुछ ज्यादा यूजफुल नहीं है, तो हमने उसकी जगह पे एक सिंबल रख दिया के, दैट शोज रेट कॉन्स्टेंट। के की वैल्यू डिफरेंट होगी डिफरेंट रिएक्शन के लिए, जैसे हम अमोनिया बना रहे हैं तो उसके लिए के की वैल्यू कुछ और होगी क्योंकि वो नाइट्रोजन हाइड्रोजन किसी और रेट से रिएक्ट कर रहे होंगे। हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलकर वाटर बना रहे हैं उसका कुछ और रेट कांस्टेंट की वैल्यू होगी, और जो के की वैल्यू है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है, ठीक है। तो हमें वहां पे के अंदर जो हमारी नॉर्मल कंडीशन है या टेम्परेचर है वो भी मेंशन करना जरूरी होता है। तो के की वैल्यू एक तो सबसे पहली बात डिफरेंट रिएक्शन के लिए डिफरेंट होती है, और के की वैल्यू टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। नाउ एक नया टर्म आता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है क्या, बेसिकली जो है जब हम ये एक एक्सप्रेशन हमने लिखा हुआ है रेट इज इक्वल टू के एक्स वाई का स्क्वायर, इसका मतलब ये शो कर रहा है कि वाई जो है उसका डबल इफेक्ट है ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन एज कंपेयर टू एक्स। तो अगर हम इसकी बात करें कि इसका ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू वाई जो है वो टू शो कर रहा है, इसका मतलब वो डबल इफेक्ट शो कर रहा है, ठीक है। इस अब जब हमने कुछ भी इस पे साइन नहीं लगाया इसका मतलब उसका एक्स का जो ऑर्डर है वो 1 है, चाहे हम एक्स को इस तरह से डिनोट कर दें चाहे इस तरह से कर दें वो दोनों एक ही चीज है। अब यहां पर जो ओवरऑल ऑर्डर होगा एक्स का तो हो गया 1 और वाई का हो गया 2, इन दोनों का जो सम अप है वो आएगा 3, तो इसका मतलब ये जो रिएक्शन है इट इज थर्ड ऑर्डर। बट जो भी हम रेट ऑफ रिएक्शन निकाल रहे हैं ये सारी चीजें एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यूज हैं, थ्योरेटिकल कंसेप्ट नहीं है। यानी हमने बैलेंसिंग करी और बैलेंसिंग करके किसी के आगे हमने 2 लगा दिया, बैलेंस करने में किसी आगे 3 लगा दिया, और जब उनको एक्सप्रेस करें तो एक ऊपर 2 आ गया एक के ऊपर 3 आ गया तो हम सोचे कि ऑर्डर 5 हो गया, नहीं, ऑर्डर जो है ये एक एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यूज है। तो रेट एक्सप्रेशन है क्या, रेट एक्सप्रेशन एक बेसिकली ओवरऑल रेट बताता है रिएक्शन का, जिसमें हम रेट कांस्टेंट और जो हमारे रिएक्टेंट है उनके ऊपर उनका ऑर्डर लिखते हैं या पावर ऑफ कोफिशियंट लिखते हैं, और जो इनकी पावर ऑफ कोफिशियंट का सम है वो उसका ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। तो ये जो हमने एक्सप्रेशन किया है इसको हम कहते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन, ठीक है। और ये अभी फिर बता रहा हूं मैं आपको कि ये एक एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यूज हैं, थ्योरेटिकल कंसेप्ट नहीं है। यानी हम किसी एक रिएक्शन को बैलेंस करके सोचे कि इसका ऑर्डर सेकंड हो जाएगा थर्ड हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। वो जो हम रेट एक्सप्रेशन लिखते हैं वो जो उसकी एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड वैल्यूज है उन्हीं को हम डिनोट करते हैं एम और एन की जगह पे। नाउ ऑर्डर जो है वही चीज है, कैन बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। तो बहुत सारे मेथड हैं, इनिशियल रेट मेथड है, ग्राफिकल मेथड है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है, ऑस्टवाल्ड का मेथड है। तो ये हमारे चार मेन मेथड्स हैं और इनको हम धीरे धीरे करके स्टडी करेंगे। एक मेथड इसमें इनिशियल रेट मेथड का भी है जो हम इजीली ग्राफ प्लॉट करके उसको डिनोट कर सकते हैं, पर वो हम मेथड एक एक करके बाद में देखेंगे।
नाउ अब देखो, जैसे मान लो ये एक इनिशियल रेट मेथड का एग्जांपल है कि कंसंट्रेशन जो थी एक्स की जो है वो सेम रही है, वाई की कंसंट्रेशन डबल हो गई, ठीक है, और उससे क्या हुआ, रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो गया, यानी इसकी कंसंट्रेशन डबल करते ही इसकी रेट जो है वो भी डबल हो गया। इसका मतलब यह है कि जो आपका वाई है इसका ऑर्डर टू है, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन से रेट ऑफ रिएक्शन डबल हुआ है, ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है जिसके अंदर जो हमारा रिएक्शन है वो एक ही कंसंट्रेशन पर डिपेंड करे, उसको हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, जब उसका रेट विद रेस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन अगर हम प्लॉट करेंगे तो अगर वो स्ट्रेट लाइन आ रही है और जीरो से स्टार्ट हो रही है, दैट मीन्स इट इज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हम ग्राफिकली जो है, अगर हमें ग्राफ दे दिया जाए रेट विद कंसंट्रेशन का और वो सीधा इस तरह का प्लॉट हो, तो दैट मीन्स इट इज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब एक और एग्जाम्पल है कि यहां पे एक्स की कंसंट्रेशन सेम है, जो हमारा वाई है उसकी कंसंट्रेशन हमने डबल कर दी, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, क्वाड्रपल हो गया, चार गुना हो गया, पहले चार था अब कितना हो गया, 16। इसका मतलब है कि जो हमारा वाई है उसका ऑर्डर 3 है, जब इसका ऑर्डर 3 होगा तभी इसकी कंसंट्रेशन, जैसे मान लो हमने डबल की, पहले 2 थी मान लो, अब हमने डबल कर दी तो 4 हो गई, अब 4 को अगर मान लो सॉरी पहले 2 थी और उसका हमने क्या करा, डबल कर दिया, तो 2x हो गया, अगर उसके ऊपर 3 होगा तो 2 2 4 4 2 8, तो वो जो है 4 गुना हो जाएगा, ठीक है, 8 टाइम्स हो जाएगा। बट लेकिन यहां पे जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो आपका क्वाड्रपल हुआ है, यानी 4 टाइम्स हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि जो आपका एक्स था वो ज्यादा कंसंट्रेशन शो कर रहा था एज कंपेयर टू वाई, वरना अगर इसके ऊपर मान लो अगर इसकी पावर अगर आपकी 2 होती और आपने कंसंट्रेशन को डबल करा है तो वो क्वाड्रपल हो भी जाता, ठीक है। लेकिन यहां पे एक्स जो है आपका उसकी कंसंट्रेशन सेम है लेकिन फिर भी रिएक्शन क्वाड्रपल हो रहा है, तो इसका मतलब है इसकी पावर जो है, ऑर्डर जो एक्स का है वो 3 है और वाई का जो ऑर्डर है वो 2 है, तब आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन आएगा वो क्वाड्रपल होगा। ये हमारे सेकंड ऑर्डर का प्लॉट है, अगर मान लो रेट विद कंसंट्रेशन जीरो से न स्टार्ट होकर थोड़ा सा आगे से स्टार्ट हो रहा है तो वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन को डिनोट करता है, क्योंकि एकदम से कंसंट्रेशन जो है वो पीक पे आई है। यहां पे हम कंसंट्रेशन का स्क्वायर लेंगे, ये चीज ध्यान रखना, ये कंसंट्रेशन का अगर स्क्वायर होगा तो यहां पे वो स्ट्रेट लाइन आएगी, लेकिन यहां पे हम कंसंट्रेशन ले रहे हैं तो थोड़ा गैप लेके जो है रिएक्शन स्टार्ट हुआ है। तो जो हमारे रिएक्शन ऑर्डर है, ठीक है, जैसे यहां पे एक और एग्जांपल दिया है बट इसको हम अब स्किप कर देते हैं क्योंकि फिर आपका कंफ्यूजन हो जाएगा। एक होते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन पे। जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या है, जिसके अंदर रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा हो, वो किन पे कर सकता है, या तो हो सकता है हमने कोई कैटलिस्ट यूज किया है, या पे हो सकता है हमने कोई टेम्परेचर यूज किया है, उसके ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा है, तो वहां पे एक स्ट्रेट लाइन आएगी क्योंकि रेट जो है वो इस कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा। ये जो ग्राफ्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ग्राफ देके पूछा जा सकता है कि इसमें कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा, ठीक है। तो जीरो ऑर्डर के अंदर हमेशा ये एक स्ट्रेट लाइन आएगी क्योंकि ये कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। ना उसके बाद आते हैं यूनिट ऑफ के। जो यूनिट ऑफ के है यानी रेट कांस्टेंट है वो वेरी करती है और डिपेंड करती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे। जैसे हमने रेट की तो यूनिट पढ़ रही मोल पर लीटर पर सेकंड, ठीक है, इसको हम डेकामीटर में भी शो कर सकते हैं, आवर्स में भी शो कर सकते हैं, तो वो ही यहां पे है। अगर हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो यहां पे हम क्या ले रहे हैं, फर्स्ट की कंसंट्रेशन, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए तो आपके फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जो यूनिट है वो एस आ गई। इसी तरह से मान लो अगर वो जीरो ऑर्डर है तो जीरो ऑर्डर है तो ये यहां पे कुछ नहीं आएगी कंसंट्रेशन, तो के की जो यूनिट है वो यही आएगी मोल डेकामीटर क्यूब सॉरी पर डेकामीटर क्यूब पर सेकंड। अगर वो सेकंड ऑर्डर है तो जो आपकी कंसंट्रेशन है उसका स्क्वायर होगा, ठीक है, तो एक मोल डेकामीटर क्यूब दूसरा मोल डेकामीटर क्यूब एक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो ये है उधर जाएगा तो हमारी के की यूनिट हो जाएगी पर मोल डेकामीटर क्यूब पर सेकंड। तो इस तरह से हमारे किसी का भी ऑर्डर आ जाए हम उसका ऑर्डर इजीली निकाल सकते हैं। अब जैसे ये दिया हुआ है व्हाट अबाउट द रिएक्शन, ठीक है, तो अगर मान लो हमें इसकी यूनिट दी हुई है तो हम इसकी यूनिट से भी रेट उसका
पता लगा सकते हैं, ऑर्डर पता लगा सकते हैं। और मान लो रेट दे दिया और उसमें कहा गया के की वैल्यू निकालो, तो वो हम वहां पे उसकी वैल्यूज को रख के भी इसके के जो यूनिट है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे ये ए है, इसकी एक है तो ये वन हो गया। बी का स्क्वायर है तो हमने इसकी कंसंट्रेशन को दो बार लिख लिया, एक कैंसिल आउट हो गई, दो बच गई। जब इसको उधर लेके जाएंगे सिर्फ आपके क्या हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे। ये मोल दोनों स्क्वायर प्लस में थे, उधर जाके माइनस में हो जाएंगे। डेकामीटर ग्रुप दोनों माइनस में थे, उधर जाके सिक्स प्लस के हो जाएंगे। और आपका जो इसका पर सेकेंड है वो एज इट इज यहीं पे रहेगा। तो इस तरह से हम उनकी यूनिट्स वगैरह भी इजिली निकाल सकते हैं। अब देखो इसमें हमने पढ़ा क्या, एक तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, रिएक्शन कांस्टेंट क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होते हैं, यूनिट कैसे हम रेट ऑफ रिएक्शन की और रेट कांस्टेंट की निकाल सकते हैं। तो ये आपने लर्न नहीं करनी है, क्योंकि लर्न करोगे तो के की जो वैल्यू है वो हमेशा गड़बड़ आएगी। आपने इनको खुद निकालना है देख के कि उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। तो जो हमारा रिएक्शन कांस्टेंट है इसकी जो यूनिट है वो डिपेंड करती है किस पे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे, जबकि जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसकी यूनिट सिंपली मोल पर लीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, तो जो हमारा रिएक्शन कांस्टेंट है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, जबकि रेट ऑफ रिएक्शन जो है इतना ज्यादा टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं करता। तो ये चीजें हमने क्लियर कर ली हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का हम पढ़ेंगे, तब तक आप इसको ध्यान से देखो, कहीं पे भी कोई डाउट है तो वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।